लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महागठबंधन इंडिया की बैठकें लगातार जारी हैं और इन बैठकों में तमाम अहम फैसले लिए जा रहे हैं। आखिरकार यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और इसी बीच तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का। क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए आगे की जानी चाहिए? क्या वाकई में प्रियंका गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे पाएंगी? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और इस चौथी बैठक में देखा गया कि सभी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनाई। देखा गया कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर तो सहमति बनी, लेकिन जब इस बैठक के बाद बात रखी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेती हुई नजर आई बैठक में, लेकिन बैठक के बाद वह कहती हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव लड़ने चाहिए और पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें ही आगे करना चाहिए। इसके बाद से सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो गई तो महागठबंधन इंडिया में कहीं ना कहीं रार बढ़ती हुई देखी जा सकती है इस पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के गुट के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। संजय राउत का कहना साफ तौर पर रहा है कि हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। हमारे पास पीएम पद के लिए कई उम्मीदवार हैं, चाहे राहुल गांधी हों चाहे प्रियंका गांधी हों। इंडिया गठबंधन के पास कई चेहरे हैं और इनमें से कोई भी पीएम बन जाएगा। इंडिया गठबंधन को लेकर दूसरी ही तरफ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि वह इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर ना ही निराश हैं और ना ही मायूस। फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई मायूसी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए नीतीश कुमार का नाम भी आगे आया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाकई में प्रियंका गांधी को आगे होना चाहिए या फिर राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार? कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए, देखते रहिए नेक्स्ट 9।